बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो कोविड-19 के टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद काम पर वापस आ रहे हैं। गोविंदा को वर्तमान में लोकप्रिय रियलिटी शो डांस बंगला डांस में एक जज के रूप में देखे जा सकते हैं। एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सेट से वीडियो शेयर किया, जहां वो मंच पर बैकग्राउंड में डांसर्स के ग्रुप के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोविंदा काम पर लौटा की बात की जानकारी देते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस महीने की शुरुआत में एक्टर ने अपनी ट्रेडमार्क शैली में वीडियो शेयर करते हुए घोषणा करते हुए कहा था कि उन्हें कोरोना हो गया है। 57 साल के स्टार ने इंस्टाग्राम पर जो बूमरैंग वीडियो शेयर किया है, उसमें वो एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए चलते हैं। क्लिप में उन्हें लाल और काली धारी वाली सफेद टी शर्ट पहने सफेद पैंट और सिग्नेचर शर्ट के साथ दिखाया गया। गोविंदा अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में कोरोना संक्रमित हो गए। कोरोना संक्रमित होने के बाद एक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने की सावधानी बरती, उसके बाद भी इस वायरस से संक्रमित हो गया हूँ। घर के बाकी सदस्यों का टेस्ट हुआ, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पत्नी सुनीता कुछ हफ्ते पहले ही कोरोना संक्रमण से रिकवर हुई है। गोविंदा ने आगे कहा कि मैं इस वक्त घर पर आइसोलेशन में हूँ और सभी नियमों का पालन कर रहा हूँ। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें।